बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं अपनी वीडियो में बनाने जा रही हूँ वो है हैदराबादी दम बिरयानी। ये ईद स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो बिरयानी में मसाला यूज़ करेंगे वो बना लेते हैं। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, लौंग लिया है 20, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, सौंफ लिया है 1 टीस्पून, 3 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, अगर आपके पास साबुत हो तो वो डाल लें, जायवत्री ली है 1/4 टीस्पून, ये भी मेरे पास पाउडर था वो डाल रही हूँ, जायफल लिया है 1/4 टीस्पून, ये पाउडर मैंने बना लिया था इसका, और 20 स्टिक्स चाहिए दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची चाहिए, 12 छोटी इलायची चाहिए, बे लीफ ली है 2 पत्ते। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे, दालचीनी स्टिक्स डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, बे लीफ को इसको भी छोटा छोटा तोड़ लेंगे, जीरा, लौंग, सौंफ, जावित्री और सूखा धनिया, काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने गरम मसाला बनाया था जो बिरयानी में डालने के लिए, तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। जो मुझे यहाँ पे चीजें चाहिए वो है, नमक लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून वो जो हमने अभी गरम मसाला बनाया था वो वाला लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको डीप फ्राई किया है और फिर क्रस्ट कर लिया, थोड़े से पुदीने और धनिए के पत्ते चाहिए, और 1 कप दही लिया है बीट किया हुआ, और 1/2 किलो हमारा चिकन है। मैंने ये बड़े बॉल में चिकन को डाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लेमन जूस, हरी मिर्च पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, क्रश्ड किए हुए प्याज, थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें चिकन अच्छे से मिक्स हो गए, तो अब इसे हम रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए साइड पे। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, चावलों को उबाल लेते हैं। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बताती हूँ। चावलों को उबालने के लिए जो चीज़ें चाहिए, चावल मैंने लिए हैं 1/2 किलो, चिकन भी हमारा 1/2 किलो था और चावल भी 1/2 किलो ले रहे हैं, तो इनको मैंने अच्छे से धो के सोक कर दिया है। लौंग चाहिए 5-4 छोटी इलायची चाहिए, 3 से 4 स्टिक्स दालचीनी की चाहिए, उनको मैंने छोटा कर लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर पानी डाल के चूल्हे पर रखा है और नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची और नमक, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये पानी उबलना शुरू होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, तो अब ऊपर से ढक देते हैं। अब यहाँ पे जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था हम वही ऑयल लेंगे, ये तकरीबन 1/2 कप ऑयल है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो मैरिनेट करके रखा था। और साथ ही हम 3 लार्ज साइज के टमाटर बारीक कटे हुए ये भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब चिकन को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाते रहना है इसको। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, ये देखिए हमारे चावल पके हैं
80% तक आपने इनको पकाना है। अब उसके बाद इनका पानी छान लेना है। ये देखें 10 मिनट हो गए इन्हें हाई फ्लेम पे पकते हुए, तो अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मजीद पकाएंगे इसको। ये देखें हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है और ऑयल भी छोड़ दिया है, ऊपर तरी आ गई है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और उतार लेंगे। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, तो अब चावलों की लेयर लगा लेते हैं, चावल और चिकन की। सबसे पहले नीचे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लगा लेंगे। अब डालेंगे चावल, आपने तकरीबन आधे चावल डाल लेने। अब ऊपर डालेंगे चिकन, चिकन भी आधा डाल लेंगे। अब ऊपर डालेंगे पुदीना और फ्रेश धनिया और कुछ स्लाइस लेमन के और हरी मिर्च, इस तरह मैंने लंबाई में काट ली थी, ये डालेंगे। और ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, एक चुटकी के करीब गरम मसाला। अब ऊपर डालेंगे फिर चावल, ऊपर थोड़ा सा डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, और डालेंगे ये जर्दे का कलर। ये मैंने 2 टेबलस्पून दूध में इसको जर्दे को 1/4 टीस्पून को मिक्स कर लिया था। अब ये ऊपर डाल देंगे और लास्ट पे डालेंगे बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब इसे दम के लिए रख देते हैं। अब आपने ऊपर देना है कपड़ा, कपड़े के ऊपर देना है ढक्कन और कपड़े को इस तरह ऊपर फोल्ड कर देना। तो अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पे। पहले आपने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको दम देना है, फिर उसके बाद आपने स्लो कर देना है। और दम टाइमिंग क्या है इसकी, 20 मिनट्स हो गए। अब हम चेक करते हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बने। आपने फौरन इनको मिक्स नहीं करना, तकरीबन 10 मिनट आपने इनको वैसे ही रखना है। अगर फौरन करेंगे तो चावल टूट सकते हैं। ये देखें हमारी हैदराबादी दम बिरयानी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बनी है। मैंने पके हुए चिकन की ये बिरयानी बनाई है। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन में आएगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।